हेलो दोस्तों, हिंदी एंडवाई टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मोबाइल के कंपास के एक खुफिया राज के बारे में बताऊंगा जो आप में से कई सारे लोगों को नहीं पता होगा। दोस्तों, आपके मोबाइल में कंपास एप्लीकेशन होगा लेकिन आप उसे कुछ भी यूज़ में नहीं लेते होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आप कंपास एप्लीकेशन को किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। दोस्तों, आप कंपास एप्लीकेशन के अंदर अपनी पर्सनल फोटोज़, वीडियोज़ या किसी भी तरह की फाइल को हाइड कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कंपास एप्लीकेशन के अंदर अपनी फाइल्स को छुपा रखा है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही सिक्योर और न्यू ट्रिक है जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं इस ट्रिक को तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके बाद दोस्तों, आपको एक कमेंट भी कर देना है, नाइस ऐप। इतना काम करके दोस्तों, आप ज़रूर से मुझे सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कंपास एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर बीच में कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। तो ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, परमिशन को अलाउ करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना एक आसान पिन सेट कर देना है। तो मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पर अपना एक पिन, फिर से एक बार यहाँ पर डालना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है ताकि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसके ज़रिए आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फटाफट से डाल देता हूँ और यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। अब दोस्तों, आप देखेंगे ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। इस एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों, आप अपनी इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, नोट्स को छुपा सकते हैं और किसी को ज़रा से भी भनक नहीं लगेगी कि आपने कंपास एप्लीकेशन के अंदर अपनी पर्सनल फोटोज़, वीडियोस को छुपा रखा है। ठीक है, अब इमेजेस हाइड कैसी करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इमेज पर क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। ठीक है, फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपको उसी फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है, तो आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से दोस्तों, आपको इमेजेस सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लॉक के आइकॉन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, आप देखेंगे ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है इस एप्लीकेशन के अंदर और मेरे मोबाइल की गैलरी से हाइड हो चुकी है। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज को, किसी भी वीडियो को हाइड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। अगर आपको अनहाइड करना है तो दोस्तों, वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अनहाइड का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसे अनहाइड भी कर सकते हैं, ये आपकी मोबाइल की गैलरी में वापस चली जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों, आप एक छोटी सी एप्लीकेशन के अंदर, कंपास एप्लीकेशन के अंदर अपनी पर्सनल फोटोज, वीडियोस को छुपा सकते हैं। दोस्तों, यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप इस एप्लीकेशन को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन में जो भी फाइल्स को आपने हाइड किया है उसे अनहाइड करना होगा। अगर आप अनहाइड नहीं करेंगे फाइल्स को और एप्लीकेशन को डिलीट कर देंगे तो आपकी सभी वीडियोस, इमेजेस, सभी फाइल हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी और आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।